नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्ट देख रहे हैं सुबह की खबर जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का डिसीजन जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग की बात अब तक पूरी नहीं हुई है, हालांकि बातें चल रही हैं। कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुलाकात की लालू प्रसादों से और दो मरतबे मुलाकात की है, जो हमारी जानकारी है। लेकिन लालू प्रसादों के भी तेवर इन दिनों सख्त देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहले चरण में जहां जहां चुनाव होने हैं उन चार सीटों पर चार उम्मीदवार जो तय किए गए हैं आरजेडी की ओर से, चारों ही सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, उन सभी को सिंबल दे दिए गए हैं। देखिए, कल देर रात को अशोक महतो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, उन्हें भी सिंबल दे दिया गया है। इसके अलावा जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल दे दिया गया है, औरंगाबाद सीट से अभय कुशवाहा को सिंबल दिया गया है, गया सीट से कुमार सरजीत जो कि बिहार सरकार में मंत्री रहे उन्हें सिंबल दिया गया है, आरजेडी के विधायक हैं उन्हें सिंबल दिया गया है। इसके अलावा नवादा श्रवण कुशवाहा को सिंबल दिया गया है। तो इन चार सीटों पर सिंबल अलॉट कर दिया गया है, लालू प्रसाद ने टिकट दे दिया है। अब बात हम करते हैं महागठबंधन की, तब तो कांग्रेस और माले को कितनी सीट, अब तक बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि छः सीट चर्चा है। कांग्रेस को छः सीट मिलेगी, इसके अलावा माले भी और लेफ्ट की जो पार्टीज हैं वो सभी तीन सीट पर अड़ी हुई हैं। तो उतनी सीटें हैं कहाँ? इसके अलावा क्या मुकेश सहनी भी आरजेडी के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ महागठबंधन में फिर से जाएंगे? इस बात की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। मुकेश सहनी का भी महागठबंधन की ओर जाना तय ही दिख रहा है। देखिए, औपचारिक ऐलान इस पर कब तक हो पाता है। लेकिन जो बड़ी खबर है, देखिए, सिवान की सीट, सिवान जहां से जेडीयू ने रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाना तय किया है। एनडीए की ओर से कविता सिंह का टिकट कट गया है। रमेश कुशवाहा जीरादे से माले के विधायक रहे हैं और काफ़ी मजबूत दावेदार हैं। पहले ये दिख रहा था कि रमेश कुशवाहा को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं, रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी सिवान से, एनडीए की उम्मीदवार होंगी। वहीं दूसरी ओर देखिए, ओम प्रकाश यादव भी कह रहे हैं कि हम निर्दलीय ही लेकिन उम्मीदवार होंगे, यानी कि वे चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश यादव सिवान के पूर्व सांसद हैं। इसके अलावा हीना साहब भी चुनाव लड़ेंगी, चुनावी अखाड़े में होंगी, ताल ठोकेंगी। तो आरजेडी ने भी यह तय किया है, जो बातें सामने निकल के आ रही है, आरजेडी ने भी यह तय किया है कि सिवान की सीट आरजेडी नहीं छोड़ने जा रही है। शुरू में दिख रहा था कि यह सीट जो है वो माले को जा रही है, एकदम कंफर्म दिख रहा था, लेकिन अब बातें थोड़ी बिगड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए, अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो पाई है, महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई है, महागठबंधन के सभी नेता एक साथ बैठकर यह भी नहीं बता पाए हैं कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन भी हो गया, सभी को सिंबल भी मिल गया, लेकिन बातें बड़ी हैं। महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, कहां कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेफ्ट की पार्टीज भी जो अपने मांग पर अड़ी हुई है, उस पर भी लालू प्रसाद अभी तक कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बातें चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है, बातें चल रही हैं पर्दे के पीछे, दशकों रोड में राबड़ी देवी के आवास पर, जहां तेजस्वी यादव रहते हैं, लालू प्रसाद रहते हैं, सभी के साथ बातें चल रही हैं। जैसे सारण से रोहिणी आचार्य का चुनाव लड़ना है, वैसे ही सिवान से भी आरजेडी का चुनाव लड़ना तय है। सिवान की सीट आरजेडी ही लेगी, जो बातें छनकरा रही हैं, सिवान में आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी, ये सीट माले को नहीं जाने वाली है, फिर से इस सीट पर आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन हीना साहब यहाँ से उम्मीदवार नहीं होंगी, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि हीना साहब की ओर से बातें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। हीना साहब ने कहा है हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी हीना साहब को उम्मीदवार बनाएगी ऐसा दिखता नहीं है, अब ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आरजेडी चुनाव लड़ेगी सिवान से, तो फिर उम्मीदवार कौन? देखिए, एक व्यक्ति के नाम की चर्चा काफ़ी हो रही है, उनका टिकट तो कंफर्म है, शायद सिवान से ही कंफर्म है, मैं शायद कर रहा हूँ, टिकट कंफर्म है लेकिन शायद वह सिवान से ही लड़ेंगे, टुन्ना पांडे एमएलसी रहे हैं। टुन्ना पांडे, टुन्ना जी पांडे काफ़ी चर्चित नाम है और बेबाक होकर अपनी बातों को बोलते हैं। टुन्ना जी पांडे ने खूब बीजेपी के खिलाफ भी जमकर उन्हें लतार लगाई थी जब ये उस पार्टी को छोड़ रहे थे। तो टुन्ना जी पांडे का चुनाव लड़ना तय है, लेकिन सिवान से चुनाव लड़ना तय है, इस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। सिवान से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चाएं हैं, इस बात का काफ़ी हल्ला है, लेकिन महाराजगंज से उनकी तैयारी दिख रही थी। महाराजगंज सीट पर टुन्ना जी पांडे काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे पिछले कई दिनों से। जो महाराजगंज के लोग हैं, जो जमीन धरातल के लोग हैं, वो हमसे फ़ोन पर बात करते हैं, उनसे हमने जानकारी ली है ग्राउंड जीरो से। टुन्ना जी पांडे महाराजगंज में खूब एक्टिव दिख रहे थे, जमकर पसीना बहा रहे थे और तैयारी कर रहे थे महाराजगंज से चुनाव लड़ने की, आरजेडी की। लेकिन फिर रणधीर सिंह जो कि प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, उनके बेटे क्या करेंगे, क्या उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ेंगे? वे भी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद से मिले हैं। तो जानकारी ये मिल रही है कि अगर रणधीर सिंह महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं, रणधीर सिंह का चुनाव लड़ना महाराजगंज से तय किया जाता है, तो टुन्ना जी पांडे आरजेडी के उम्मीदवार होंगे सिवान से, ये बात तय है। देखिए, टुन्ना जी पांडे भी आ रहे हुए हैं कि मुझे महाराजगंज ही लड़ना है, महाराजगंज लड़ना चाहते हैं, महाराजगंज की सीट पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, ये देखना होगा।
ऐसी संभावनाएं कम है, क्या प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार से लालू परिवार का रिश्ता टूट जाएगा? अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अगर रणधीर सिंह को ही फिर से चुनावी टिकट मिलता है, क्योंकि जातीय समीकरण का भी ख्याल रखना होगा, क्या क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट नहीं देंगे? रोहिणी आचार्य सारण में चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या महाराजगंज में क्षत्रिय समाज के व्यक्ति नहीं लड़ेंगे? राजपूत और यादवों का उस तरफ दबदबा रहता है, सारण प्रमंडल की हम बात कर रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य यादव हो गई, सारण से चुनाव लड़ेंगी। महाराजगंज से रणधीर सिंह, जो कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, बड़े नेता रहे हैं आरजेडी के, तो उनके बेटे रणधीर सिंह इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पहले भी वो चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन शिकस्त मिली है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उन्हें चुनाव हरा दिया है। तो इस बार देखना होगा, रणधीर सिंह ही फिर से उम्मीदवार होते हैं। अगर रणधीर सिंह महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के सिंबल पर, तो सिवान से टुन्ना जी पांडे चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। एक तरफ जहां रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी होगी विजयलक्ष्मी देवी, वहीं दूसरी ओर आरजेडी से टुन्ना जी पांडे होंगे। चुनावी अखाड़े में हिना शहाब और ओम प्रकाश यादव के भी कूदने की पूरी संभावना है। तो सिवान का रण जो है वो बड़ा भीषण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा, तैयारी पूरी चल रही है और टिकटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। देखना होगा, काफ़ी असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो औरंगाबाद की सीट थी वहाँ वे चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। अब क्या सासाराम की सीट लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के बेटे के लिए रखी जाएगी, देखना होगा। एक सीट क्या कांग्रेस हो जाती है? पटना साहिब की सीट तो कांग्रेस की है ही, किशनगंज की सीट कांग्रेस की है, क्या कटिहार से तारिक अनवर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। पप्पू यादव कह रहे हैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, प्रणाम पूर्णिया, उन्होंने कार्यक्रम किया है। लेकिन कई ऐसे भी विधायक हैं सत्ता पक्ष के जो आरजेडी के साथ संपर्क में, सत्ता पक्ष के ऐसे कई विधायक हैं जो आरजेडी से संपर्क में हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवहर से भी कई व्यक्तियों के नाम की चर्चा है, हालांकि ऋतु जायसवाल के भी नाम की चर्चा है शिवहर से, लेकिन देखना होगा टिकट अंतोगत्वा आरजेडी देती किसके लिए, क्योंकि जब तक औपचारिक ऐलान ना हो जाए, आखिर औपचारिक ऐलान में काफ़ी देरी हो रही है। इस मामले में एनडीए काफ़ी आगे है, एनडीए के नेताओं ने कब के सीट शेयरिंग भी कर ली, किस सीट पर कौन लड़ेंगे ये बात भी लगभग लगता है, और बीजेपी के फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन हाँ, कौन कौन सी सीटें किस पार्टी को जा रही है ये बातें हो चुकी हैं। अब इस मामले में महागठबंधन काफ़ी पीछे है, बातें हो रही है। देखिए लालू प्रसाद ने सिंबल भी अलॉट कर दिया AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, इस बात को सुनने के बाद हड़कंप है, और काफ़ी मुख्य रूप से काफ़ी पैनी निगाह रखकर बिहार पर AICC की नज़र है, हर चीज़ को नापतौल दिया जा रहा है। देखना होगा सिवान से क्या होता है, क्योंकि सिवान से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी, ये बात भी कंफर्म है। तो फिर माले को कौन कौन सीट जाएगी, क्या आरा की सीट जाएगी, काराकाट की सीट जाती है माले को, या फिर काराकाट की सीट पर आरजेडी दावा ठोकती है, देखना होगा। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं। तो फिर क्या बेगूसराय फिर कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो सीट तो CPI की रही है, तो CPI वहाँ पर दावा करेगी, CPI को भी सीट देनी होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर नज़र बनी हुई है। जो खबर है भीतर की खबर है, हम आपको बता रहे हैं जितनी डेवलपमेंट है। आरजेडी की ओर से ये तय किया गया है कि सिवान सीट आरजेडी ही लड़ेगी, तो छपरा महाराजगंज सिवान ये तीनों सीट ही आरजेडी लड़ेगी। देखना होगा रणधीर सिंह ही फिर से महाराजगंज में होते हैं या टुन्ना जी पांडे महाराजगंज में होते हैं। अगर रणधीर सिंह महाराजगंज में चुनाव लड़ेंगे तो फिर टुन्ना जी पांडे सिवान से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो MLC भी रहे हैं पहले। देखना होगा आगे फैसला आरजेडी का क्या होता है। जितनी खबर थी सिवान से जुड़ी हुई वो हमने आपको बताई है, हिना साहब भी चुनाव लड़ेंगी ये बात भी तय मान के चलिए। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, जीत किसकी होती है ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।